नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको यूपी के मानिकपुर से, जहां गुरु और शिष्य के रिश्ते को किया गया कलंकित। दो बच्चों की मां आशा बहू बनने के लिए कर रही थी पढ़ाई, अध्यापक के संग हुई फरार। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश विकास खंड मानिकपुर गोरा की, जहां गोरा निवासी शिव बदन ने बताया कि उसकी पत्नी आशा बहू बनना चाह रही थी, इसलिए शिव बदन ने सरदार पटेल इंटर कॉलेज में उसका एडमिशन कराया। मजदूरी करने बाहर गया शिव बदन, जिससे कि पत्नी और बच्चों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। शिव बदन का कहना है कि सरदार पटेल इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले अध्यापक सुरेश पांडे उसकी पत्नी को बहला फुसला कर भगा ले गया है। उसके पिता बूढ़े हैं, रोकने की कोशिश की गई तो कमरे में बंद करके मारपीट की गई। शिव बदन का कहना है कि उसकी पत्नी 80,000 नगद जेवरात और बच्चों को लेकर अध्यापक के साथ फरार हो गई है। अध्यापक का साथ देने वाले शांति शरण सरदार पटेल कॉलेज के प्रधानाचार्य का हाथ है। ऐसे में सरदार पटेल इंटर कॉलेज को बंद होना चाहिए, इसमें संलिप्त है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। पीड़ित शिव बदन ऐसी मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले, शिव बदन ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से मांग की है कि स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक सुरेश कुमार पांडे, शांति शरण और प्रधानाचार्य के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। देख सकते, तो मैंने अभी बताया है कि मैं दिखाया कि यही स्कूल है सरदार पटेल इंटर कॉलेज, यहाँ पर अध्यापक सुरेश कुमार पांडे पढ़ाते थे, उनके साथ शांति शरण का भी नाम आ रहा है जो उनका सहयोग करते थे। ऐसे में आप जब रिपोर्टर आए, देखे स्कूल बंद था, स्कूल बंद मिला, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ये स्कूल कलंकित स्कूल है। इतना कलंकित स्कूल है कि बताइए, एक गुरु एक शिष्य को लेकर फरार हो जाता है और अभी तक ये स्कूल बकायदा जो है चल रहा है। ऐसे स्कूल में प्रिंसिपल और प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और जो है उस मास्टरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो ये दो, जब ये सरकार जो हमेशा न्याय के लिए जानी जाती है, लेकिन आज यहाँ पर जो अन्याय हुआ है, जो वंदना देवी को लेके भागा गया है, जो यहाँ पर एक शिष्य थी 11वीं क्लास में पढ़ रही थी, लेकिन ये सबसे बड़ा घिनौना कार्य एक अध्यापक का है। ऐसे में कुछ दिन ऐसा समय आएगा कि लोग अनपढ़ रखना पसंद करेंगे लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। ऐसे में एक विद्यालय को बंद होना चाहिए और प्रधानाचार्य और प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उन अध्यापक जो ऐसा कृत्य किए हैं, गुरु शिष्य को कलंकित किए हैं रिश्ते को, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। नाम है आपका? मेरा शिव बदन नाम। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि कॉलेज से पढ़ाई के नाम लिखवाए थे, पढ़ रही थी, पढ़ाने के साथ ये अध्यापक ऐसे गद्दारी किए, ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि आगे चल के भविष्य को क्या होगा। इसलिए हम बाबा योगीनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों को सत्य के साथ सजा मिलना चाहिए। थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या मामला क्या था आपके पिताजी ने नहीं देखा क्या? पिताजी देखे हैं, बूढ़े आदमी थे, उनको बंद करके कमरे में मार के बंद करके चले गए, दूसरे कोई दरवाजा खोले। तो आपके बीबी की उम्र क्या होगी? बीबी की उम्र हमारी 28 साल। 28 साल। सुरेश कुमार पांडे की उम्र 45 साल। अच्छा अच्छा। और इसमें सहयोगी शांति शरण, शिव गोपाल जी, रायपुरा के पटेल हैं। अच्छा, क्या नाम है इन दो? ये कहाँ पढ़ाते हैं? ये सर इंटर कॉलेज सरदार पटेल। अब आपकी मांग क्या है कि क्या क्या ले गई आपकी बीबी? हमारे बच्चे दोनों ले गई है, हमारे कागजात ले गई, 80,000 रुपये हार्ड कैश लेके गए। हमारा वो चाहिए, हमें न्याय चाहिए कि आगे चल के भविष्य को क्या होगा। हम यही विनती करते हैं कि योगीनाथ जी हमारे हमें न्याय दिलवाए। आप लोग का क्या कहना है? एक सही है। सही है इनका कहना? सही है। ऐसे अध्यापक को दो स्कूल से बाहर किया जाए? बाहर किया जाए, उसे सजा दिया जाए। आपके क्या कहना है? ऐसे अध्यापकों को बाहर किया जाए कॉलेज से और उनको सख्त क्या नाम है? बाहर निकाला है। नाम। अच्छा, आपका? हमारा मनोज कुमार नाम। निवासी कहाँ के है? निवासी यहीं के हैं।